बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे मैं जो आई थी किचन में, और सुबह के जो है वो बर्तन धोने लगी हूँ, किचन साफ़ करने लगी हूँ, उसके बाद सारे घर की जो है वो सफाइयाँ वगैरह कर लेंगे। अच्छा जी, तो आज जो है ना वो मेरे हस्बैंड को अचानक से जो है वो काम से छुट्टी मिल गई थी, तो बस आज हम लोग जो है वो बड़े खुश थे, बच्चे भी बड़े खुश थे। तो बच्चे यहाँ पे जो है वो खेल रहे थे। ये जो है ये आज अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रही थी। इस गाड़ी को लिए हुए ना 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसने आज तक कभी नहीं चलाई। और आज पता नहीं इसको कहाँ से इसका जुनून चढ़ गया, इसने निकाली है और चलाना, नहीं तो 3 साल से ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी। तो दोनों बहनें माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो गाड़ी को चला रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और खुश हो रही थी। घुमाओ सिर, सिर घुमाओ ऐसे, चलो ये पीछे कॉल करें। बाबा मोड़ काट रहे हैं। ओ ओ अच्छा जी, आज जो है ना वो हम दोनों ने जो है वो बच्चों के साथ सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो बस मैंने आज सारा दिन कोई वीडियो नहीं बनाई, तो बस शाम को मैंने कहा कि आज जो है ना वो आपके साथ सिर्फ अपनी इफ्तारी की जो रूटीन है ना वो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं किचन में आ गई थी और बनाने लगी थी इफ्तारी। तो अफ्तारी में जो है वो आज मैं चाइनीज़ नूडल बनाने लगी थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था नूडल खाने को ना, मैंने कहा चले बच्चे भी जो है वो खुश होकर खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी, साथ जो है वो मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए शिमला मिर्चें मैंने आपको जो है ना वो रमज़ान प्रिपरेशन में दिखाई थी, जो मैंने फ्रीज़ कर दी थी काट के, इनको सारी जो कलर की है ना, तीनों कलर की, वो थोड़ी थोड़ी निकाली हैं। साथ में जो है वो मैं मटर निकाल लूँगी। तो सबसे पहले जो है ना वो प्याज़ों को ऐसे मोटा मोटा काट के मैंने इसके अंदर डाल लिया था। मेरे पास सब्ज़ प्याज नहीं थी, तो मैंने कहा चलो यही प्याज जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। साथ जो है ना वो मैरिनेट करके मैंने चिकन को रख दिया था। सारे मसाले वगैरह मैंने इसी में डाल दिए थे, मैं बाद में एक्स्ट्रा कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया था। तो बस इसमें एक अंडा शामिल करूँगी और अपने जो है ना वो चाइनीज़ नूडल या चाउमी जो भी कह लें वो मैं यहाँ पर बना लूँगी। अच्छा जी, आज जो है ना वो बच्चों ने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आज फुल टाइम जो है वो बाबा घर में मिल गए थे इनको। तो बच्चों का तो बस मौजें लग जाती है, माँ के साथ तो 24 घंटे रहते हैं, लेकिन जिस दिन बाबा घर पे मिल जाए ना, उस दिन बच्चों की तो बस ईद के बराबर जो होता है वो होता है। तो आज जो है ना हम लोग कहीं भी नहीं गए, हमने कहा कि सिर्फ जो है ना वो बच्चों को टाइम देंगे और घर में ही रहेंगे। कोई हम लोगों ने ग्रोसरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मेरे चाइनीज़ नूडल जो है वो भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। तो बस इसमें अब मैं सोया सॉस डालूंगी, चिली गार्लिक सॉस जो है वो डालूंगी और इसको मिक्स करके थोड़ी देर रख लूँगी। और उसके बाद जो है ना वो मैं साथ में जो है वो फ्रूट चाट की तैयारी जो है वो भी शुरू कर दूँगी। तो बस यहाँ पर सारा कुछ मैंने डाल दिया सारा कुछ, और डालने के बाद इसको जो है ना मैंने अब जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर जो है वो दम पर रख देती हूँ, और उसके बाद जो है ना साथ ही जो है वो फ्रूट चाट की तैयारी शुरू कर देती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो अब मैं फ्रूट चाट की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। हम लोग दो ही लोग हैं तो मैं ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ, फ्रूट चाट भी थोड़ी सी बनाती हूँ क्योंकि बस इतना ही जो है वो हम लोगों के साथ इतना सा ही जो है वो खाया जाता है। बच्चे फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाते क्योंकि जो इसके अंदर मसाला वगैरह और खट्टी मीठी होती है ना, उस वजह से बच्चे फ्रूट चाट नहीं खाते। वैसे मेरे बच्चे माशाल्लाह फ्रूट सादा जो उनको काट के देती हूँ दिन में, तो वो बहुत खुश हो गए और शौक से स्ट्रॉबेरी तो ऐसे खाती है ना नकाशा माशाल्लाह से, और छोटी जो है वो भी बहुत शौक से खाती है, उसको छोटी छोटी काट के देती हूँ ना माशाल्लाह से, वो बहुत खुश होकर नाभि अभी खा लेती है। तो बस उनके लिए मैं फ्रूट चाट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो बस मैंने सेब लिया है, केला लिया है, अंगूर लिया है, स्ट्रॉबेरी ली है, साथ में मैं खजूर वगैरह डालूंगी, इमली आलू बुखारे की जो चटनी है वो डालूंगी, और बस मैं अपनी जो है ना वो फ्रूट चाट भी यहाँ पे रेडी कर लूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो मैं फ्रूट चाट मसाला लेके आई थी वो मैंने ऐड किया है, और उसके बाद अब जो है वो इमली आलू बुखारे की जो चटनी है मैंने बना के रखी हुई है, तो बस वो मैंने ऐड कर दी है। तो इसको जो है ना वो अच्छी तरह सारे ऐसे फैला के इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, इसी तरह जो है वो रखूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरा फ्रूट चाट भी तैयार हो चुका था, और मेरे जो चाइनीज़ नूडल हैं चाउमी जो भी कह लें उसको, वो भी तैयार थे। तो बस इनको प्लेट में निकालती हूँ और निकाल के आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ, और आज की अपनी रफ्तारी की जो रूटीन है वो आपके साथ मैंने यहाँ पर सारी शेयर कर दी थी। उसके बाद जो है ना वो अफ्तारी करने के बाद नमाज़ मगरब अदा की, नमाज़ मगरब अदा करने के बाद सारे घर के जो है वो बर्तन किचन के जो भी है वो धोए, जितने भी बर्तन थे जो भी थे वो धोए, और उसके बाद जो है ना फिर नमाज़ इशा अदा करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो हमारी इफ्तारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो अब जो है वो आपके साथ आपकी फ़ाइनल लुक जो है वो शेयर की है। उसके बाद जो है ना इफ्तारी करने के बाद नमाज मगरब अदा की, नमाज मगरब अदा करके सारे बर्तन धो के किचन साफ़ कर दिया है, अब जो है वज़ू करते हैं और नमाज इशा अदा करते हैं, साथ में जो है वो बच्चों को भी नमाज इशा में, बच्चे जो हैं वो मेरे साथ सारा दिन में जितनी भी नमाजें होती हैं वो सारा जो है वो पढ़ते हैं। तो बस सारे घर में जो इन्होंने खिलौने चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई हैं वो सारी चीज़ें समेटती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना दोनों मेरे साथ जो है वो नमाज़ अदा कर रहे थे, तो अब जो है वो नमाज़ इशा अदा कर लेते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।